तो पहले हम आपको रिंग स्टार्ट मोड से इसे ऑन करके दिखाते हैं। ये फार्मर का मोबाइल है, हम इस पे कॉल कर रहे हैं। नमस्कार, कोरोना वायरस बीमारी यानी कोविड-19 को फैलने से अगर रोकना है तो हमें अपने घरों के अंदर ही रहना होगा। ये देखिए मोटर ऑन और ये पंप हमारा ऑन हो गया। पंप ऑन होने के बाद आपको कॉल और मैसेज भी आएगा। ये देखिए कॉल आया, आपका मोटर चालू हो गया है। ये देखिए लास्ट मैसेज आया, मोटर स्विच ऑन एट 25 तारीख को 8:54 पे रिंग मोड से। इस सिंचाई नियंत्रक यंत्र की सहायता से हम इरिगेशन टाइम भी फिक्स कर सकते हैं कि 120 मिनट के बाद यह पंप अपने आप बंद हो जाएगा। इसके अलावा हम इसे ऑटो इलेक्ट्रिक मोड पे भी सेट कर सकते हैं। ऑटो इलेक्ट्रिक मोड का मतलब है कि बिजली आते ही यह पंप को अपने आप स्टार्ट कर देगा। ये देखिए अभी बिजली आ रही है तो इसने पंप को स्टार्ट कर दिया है और 120 मिनट के बाद यह पंप अपने आप बंद हो जाएगा। इस सिंचाई नियंत्रक यंत्र को हम अपने सेक्योफार्म ऐप के द्वारा भी ऑपरेट कर सकते हैं। इसके लिए हमने अपने खेत पर एक ऑटोमेटिक सॉयल मॉइस्चर सेंसर को इंस्टॉल किया हुआ है। सॉयल मॉइस्चर सेंसर खेत की नमी को मापता है। जैसे ही हमारी खेत की नमी मानक से कम होती है, सेक्योफार्म ऐप ऑटोमेटिक इरिगेशन कंट्रोलर यानी कि सिंचाई नियंत्रक यंत्र को अपने आप चालू कर देता है और खेत पर सिंचाई प्रारंभ हो जाती है। एक निश्चित समय के बाद या फिर खेत की नमी वापस से मानक पर पहुँचने के उपरांत यह सिंचाई नियंत्रक यंत्र को बंद कर देता है। अभी खेत में नमी है, इसके लिए हम उदाहरण के लिए अपनी प्रोब को एक सूखी मिट्टी में डालते हैं जो कि सिंचाई नियंत्रक यंत्र को अपने आप चालू करेगी। ये देखिए अब इसमें 120 मिनट का टाइमर फिक्स किया गया है। 120 मिनट के बाद यह अपने आप सिंचाई नियंत्रक यंत्र को बंद कर देगा।